तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। रिवर्थ इन गेम वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि ये पहला एपिसोड है। आई होप आप कमेंट करके बताएंगे कैसे क्या करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि आप लोगों की क्या डिमांड है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किसी के कॉफिन के बारे में, यहाँ पर रखा हुआ है और इसके ऊपर कई सारे पैसे उड़ाते हैं। ये चाइनीज कल्चर है, यहाँ पर कोई मर जाता है तो उन पर उसके सिक्के होते हैं वो डाले जाते हैं, वो पैसे भी जलाते हैं, उनकी परंपरा है जो भी है। लेकिन तभी उस कॉफिन में से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। कोई इसमें बोल रहा होता है कि मैं अपने सुप्रीम बींग के द्वारा ऑर्डर दिए गए इस काम को पूरा करने जा रहा हूँ और इस स्लोली सोल को, मतलब अकेले फिरते हुए सोल को रीइनकार्नेट करने जा रहा हूँ। और जो गोस्ट होते हैं वो चारों तरफ होते हैं और ये सारा वक्त चल रही है उसकी। और तभी बॉक्स के अंदर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर किसी को लेटे हुए और ये है हमारे स्टोरी के पुराने विलन, मतलब गेम वर्ल्ड के विलन है, गेम की वर्ल्ड से देखा जाए, गेम की दुनिया से। और तभी दिखाया जाता है उसे होश आ रहा है धीरे धीरे करके और वो लगता है ये क्या है। तभी अचानक से जैसे उसकी आँखें खुलती है वो बोले लगता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। और तभी वो अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि मुझे यहाँ तक याद है, मैं तो अभी घर पर बैठकर गेम खेलने में लगा हुआ था और इस गेम का नाम था शेनविंग। और उस गेम को खेलते खेलते मैंने कम से कम 2 दिन और 2 रातों तक लगातार उस गेम को खेलता रहा और आखिरकार मैंने उस विलन को लास्ट में मार दिया। और जिसके कारण इतना ज़्यादा जगह होने के कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरी आँखें मतलब टिक नहीं पाई और वहीं पर बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ नंबर से बदलते रहे, अचानक मेरे साथ क्या हो गया वो समझ नहीं आ रहा। और तभी अचानक से उसे घुटन सी महसूस होने लगती है और बोलता है यहाँ की जो एयर है वो तो बहुत ही कम है, आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। और वो उस बॉक्स को जोर जोर से ठोकना स्टार्ट कर देता है और बोलता है अरे नहीं, मुझे जल्दी से इस जगह से बाहर निकलना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके पास किसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब कहाँ है हाथ आप समझ ही गए होंगे, थर्ड लेग पर उसका हाथ है। ये देख कर तो भाई कतई बवासीर हो गई, मतलब बवाल मच गया। और तभी वो लड़की उससे बोलती है तुम्हें इतना ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लुओगांग जो रात है वो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। इतना सुनने के बाद उसकी सुनग जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है आखिरकार ये क्या चीज़ है इतनी चिकरी चिकरी सी, आखिर ये है क्या चीज़ जो मेरे ऊपर फिरने में लगी हुई है। और जैसे ही मुड़कर देखता है और तभी जो लड़की को हमें दिखाया था वो बोलती है तुम कह रहे हो कि यहाँ पर जो लोग हैं वही सब लोग सब कुछ होते हैं, हम लोग के बारे में तो मैं बता दूंगी, हम लोगों की अभी भी शादी हुई है और हम न्यू कपल्स हैं और तुम अभी चाहते हो कि तुम मेरा इतनी बुरी तरीके से दुखा रहे हो। और भाई लड़की तो खुला उसके ऊपर बैठ जाती है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। आगे चलकर तो हमें पता चल ही जाएगा कि आखिरकार लड़की है कौन। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोले लगता है आखिरकार तुम कौन हो और मुझे जाने दो, मेरे ऊपर क्यों बैठी हुई हो। और तभी वो लड़की उससे कहने लगती है तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें तो अपनी वाइफ के बारे में भी कुछ याद नहीं है। और तभी वो सुनने के बाद सरप्राइज होता है और बोलता है वाइफ आखिरकार ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, मेरी शादी कब हुई और मेरी वाइफ कब का हो गई। और तभी उठ जाता है और उसको पीछे करते हुए उससे शर्माते हुए बोलने लगता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो लेकिन मुझे इस गेम नहीं खेलना है तुम्हारे साथ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी कल क्लासेस भी हैं, मुझे स्कूल जाना है पढ़ने के लिए। और तभी मन में सोचते हुए लगता है जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मुझे पक्का श्योर है कोई ना कोई मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक करने में लगा है, भले ही इस मजाक की कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। लेकिन इसकी जो कीमत है मतलब इसकी ट्रिक है भाई साहब कतई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई हद से ज़्यादा, मतलब ऐसा सोच रहा है वो। और वो लड़की उसे बस घूर ही जा रही है और उसकी आंखों में जैसा चमक दिख रही है ना उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है इसकी ठनक जाग उठी है। और तभी वो लड़का मन में सोचते हुए बोले लगता है मैंने तो ऐसी ब्यूटीफुल लड़की को कभी टच भी नहीं किया। और तभी वो लड़की उसके पास आने लगती है और उससे बोले लगती है मुझे पता है मेरे हस्बैंड जो है, मेरा जो पति है, जो भी है वॉट एवर, वो कहने लगती है मेरा जो पति है मुझे पता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा धमाका करने वाले और बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, तो भला मैं तुम्हारे बेड पर ऐसे कैसे नहीं आ सकती, एक ही जगह पर बेड पर मेरे साथ कैसे टिक सकते हैं। और तभी मुझे सुनकर सरप्राइज होता है और वो कोई मंत्र सा उसको सुनाने लगती है और ये मंत्र तो मैं सुनाने नहीं वाला। और तभी इसको मंत्र सुनाते सुनाते 7 क्लिक ब्रोकर आर्म ग्रेट वुल्फ 7 स्टार मून कैप और उसे जोड़ते उसके लिप्स पर कुछ किस कर लेती है, लेकिन वो किस नहीं होती, आप लोग गलत सोच रहे हो, इसमें जो है वो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और वापस से ट्रांसफ़र कर रही है, ये एक मेथड है ट्रांसफ़र करने का, नॉलेज ट्रांसफ़र करने का। और तभी उसको हर जगह पर अजीब अजीब वर्ड दिखाई देने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है जो लड़की उसके पास बैठी हुई होती है उसके कितने बड़े बड़े बाल हो गए हैं, देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार ये किस तरीके के वर्ड हैं और यहाँ पर क्यों फिरने लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये एकदम बहुत ज़्यादा फैमिली जाने पहचाने शब्द क्यों लग रहे हैं मुझे। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है एक नाइफ उड़ती हुई आती है और
हमें दिखाया जाता उस कॉफिन के बाहर का सीन, कोई उधर फाइट करने में लगा हुआ है और तभी जो बंदर नाइफ पकड़ा हुआ है वो कोंगडन सेक्ट का ग्रेड स्टूडेंट है लीशी। तभी जो लीशी होता है वो उससे कहने लगता है मास्टर चैन, जो चैन वुवू है इसने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हुए हैं, इसलिए हम इसे पनिश करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप मुझे इस तरीके से रोक रहे हैं। मैं यहाँ पर कॉफिन की चेकिंग करने आया हूँ अपने मास्टर के ऑर्डर पर, और देखने आया हूँ कि यहाँ पर ये श्योर मतलब जो भी है ये बंदा मर चुका है या नहीं मर चुका है, तो मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए मेरा काम करने से। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है चैन वुवू, वो उसके फादर है ये यहाँ पर। और तभी हमें दिखाया था जो वुवू के फादर है वो उससे कहने लगते हैं शीली से, हे तुम्हें पता है कि वो जो मेरा बच्चा है जो मेरा बेटा है वो ऑलरेडी मर चुका है, और तुम्हें अब यहाँ पर क्या चाहिए और तुम उसकी बॉडी के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? अगर तुम मुझे यहाँ पर फिर से डिस्टर्ब करने के लिए आए तो मुझे दोष मत देना कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तभी लीशी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम दोनों के पास पहले जैसी स्पिरिचुअल पावर बची भी हुई है, और तुम सोचते हो अपने आप को कि अभी भी तुम कोई स्पिरिट मिस्ट्री सेक्ट के लीडर हो, मास्टर हो। और तभी जो लीशी होता है वो दोनों पर अटैक कर देता है और बोलता है तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, और तभी उस कॉफिन पर अटैक करने के लिए जाता है और बोलने लगता है आज मैं इस चैन वुवू को बुरी तरीके से काट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और बाद में मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें भी साफ करने के लिए। और जैसे ही उस पर अटैक करता है तभी वहां पर एक बड़ा धमाका होता है उस कॉफिन में, और ये देखने के बाद वो मतलब जो उसकी एनर्जी होती है रिलीज होने के कारण जो लीशी होता है वो दूर जाकर गिरता है, और वहां पर बहुत बड़ा ज्यादा और धमाका होता है ये देखकर उनकी फट जाती है और उनके पसीने छूटने लगते हैं, और बोलते हैं ये कितना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है भाई, और आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो चैन वुवू है वापस से जिंदा हो गया है अपनी फुल बॉडी के साथ, और उसमें से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ये देखकर वो लगते हैं हे ये क्या हुआ, ये तो सच में चैन वुवू जी ने, एक ही नाम है यार, ये लोग टाइप करते हैं कुछ तो कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन है तो चैन वुवू जी, क्या वुवू थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है चैन वुवू जी नहीं कह लेंगे, जो भी कैरेक्टर वो लोग टाइप करेंगे मैं वही बोलूंगा, उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा। तभी जो लोग होते हैं वो देखकर सरप्राइज होते हैं, जितने भी स्टूडेंट वो लगते हैं आखिरकार अभी भी क्या हुआ, ये बंदा मर नहीं गया था। और तभी हमें दिखाया जाता है जो चैन वुजिन है वो उस कॉफिन से बाहर आता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है, उसका पेट बहुत ज्यादा जोर से आवाज करता है, और मन में सोचते भोए लगता है मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, उस बेकार लड़की को इतनी देर तक किस करने का कारण बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा गंदा पानी पी लिया हो मैंने, भाई साहब याद हो गई, और वो अपने मुंह से उल्टियां करना चालू कर देता और बोलता आखिरकार मेरे मुंह से क्या बाहर आ रहा है। और तभी अचानक से उसके मुंह से गुब्बारे निकल रहे, बुलबुले निकल रहे हैं, ये देखकर तो मैं भी सरप्राइज होता हूँ। तभी कोई उसे बोलता है वुजिन, और तभी उसकी जो मॉम होती है वुजिन की वो उसके गले लग जाती है और बोलती है ओ मेरे बेटे तुमने तो मौज कर दी, तुम्हें तो कुछ भी ना हुआ, रोते हुए इसको गले हुए कुछ हुए लगते हैं और बोलती है तुम अभी मरे नहीं, और उसके डैड उसके पास आते हैं वुजिन के और बोलने लगते हैं हे वुजिन आप अभी तक तुम जिंदा कैसे हो। तभी वुजिन कहता है क्या समझ नहीं आ रहा, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, और तभी उन दोनों से दूर भग जाता है, ये देखकर वो दोनों सरप्राइज होते हैं। और तभी जो वुजिन को ऐसा देखने के बाद उसके जो मॉम डैड होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं और थोड़े सरप्राइज होते हैं आखिरकार ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी वुजिन उससे बोलता है हे तुम दोनों मेरे पास मत आओ, और तभी उसके दिमाग की घंटी बज जाती है और उसके दिमाग में कुछ होने लगता है, और तभी उसे कुछ याद आने लगता है और बोलता है मैंने कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं सब ऐसा कर रहा हूँ, बिल्कुल टच कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, जो भी जहाँ के कैरेक्टर है वो ये देखकर ऐसा लग रहा है बिल्कुल उसकी तरह, और इसका सेटअप ड्रेस वगैरह सब कुछ देखूँ तो पहचान में आया था, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा मैं अभी भी गेम खेल रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मतलब दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर गया, आई मीन गेम में ट्रांसफर हो गया। ये देखकर उसकी तो लग जाती है और वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है और मन में सोचते भोए लगता है आखिरकार मैं ट्रांसफर मतलब दूसरी दुनिया में आना भी था, ज्वारा से पैदा होना भी था, तो मुझे विलन के कैरेक्टर में क्यों डाला भाई, और वो भी ऐसा विलन जिसको ऑलरेडी इस दुनिया के हीरो के द्वारा मार दिया गया है, और वो वहीं पर सर पटक पटक कर रोना स्टार्ट कर दिया और भोए लगता है मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे और नहीं रहना इस दुनिया में, मैं ऑलरेडी 2 दिन 2 रातों तक जागते हुए उस गेम को खेलता रहा और आखिरकार मैंने उस विलन को मार दिया, लेकिन अब देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उसी की विलन की बॉडी में आ चुका हूँ, ये वाकई में बहुत ज़्यादा अनोइंग है। तभी वहाँ से रोते हुए देखते जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो वुजिन को ऐसे रोते हुए देख लेते हैं, तभी एक स्टूडेंट से वो लगता है ए सीनियर ब्रदर जरा इसको तो देखो ये चैन वुजिन आखिर करना क्या चाहता है, इसके साथ कुछ तो गलत है, इसका दिमाग हिल गया क्या। तभी वो अंदर से वो लगता है मुझे लगता है जो चैन वुजिन है वो इसने किसी तरीके की ईविल तरीके की टेक्निक को कल्टीवेट किया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, और वो उस पर अटैक कर देता है वुजिन पर और से बोलता है अभी हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, अभी ये इतना कंफ्यूजन है
तो चलो इसे पहले इसकी लाइफ ले लेते हैं, मतलब निपटा देते हैं, और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अचानक से जो वुजन होता है वो कुछ मंत्र मंत्र ढूंढने लगता है, और जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है। और जो वुजन के मंत्र होते हैं वो इतना पावरफुल होते हैं कि उसको इजीली रोक लेता है और बोले लगता है, हे तुम देखते, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना ज़्यादा अपसेट हूँ, और तुम यहाँ पर मुझसे पंगे लेने के लिए आ गए। और जितने भी लोग होते हैं वो सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, आखिरकार इस बंदे ने इतना ज़्यादा पावरफुल वर्ड कैसे टाइप कर लिए, आई मीन राइट कर लिए, जो भी है यार, समझ जाओ, वर्ड टाइप करना और राइट करना ऐसे में उंगली से 3D मॉडल चल रहा है कुछ इस तरीके से। तभी वुजन उससे कह लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही इतने समय तक गेम खेलते आ रहा था? और तभी मन में सोचने बोले लगता है, मैं उस गेम में बहुत ज़्यादा पावरफुल था और मुझे सब कुछ याद था, और जो स्पिरिचुअल पावर थी वर्ड की, लिंगवैन वर्ड की, और जो लिंगवैन वर्ड है वो हेवन एंड अर्थ का प्रोफाउंड मीनिंग समाये हुए हैं उसमें, और अगर उसका मतलब कोई समझ जाता है तो उसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ तक कि जो गोस्ट होते हैं, गॉड्स होते हैं और स्पिरिट भी, उन पर भी काम करता है। और तभी वो उस पर अटैक कर देता है वुजन फुल फोर्स के साथ, और हमें दिखाया जाता है जो इस बंदे ने उस पर अटैक किया है उसके जो चीतरे चीतरे उड़ गए हैं, और उसकी सोल तक उसने पूरी तरीके से तबाह कर दी। कि वह उसके साथी होते हैं जितने भी लेशिन के, वो देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, हे लेशी, ब्रदर लेशी, क्या हुआ आपको? और वुजन सबको पीटना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो जितने भी स्टूडेंट होते हैं ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वुजन पर अटैक कर दे बोले लगते हैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई, हम अपने ब्रदर की बदला तुमसे जरूर लेंगे, और उस पर अटैक कर देते हैं। तभी वुजन उससे क्या लगता है, अच्छा है, अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अब जबकि मैं इस गेम में यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो मैं तुम जैसे NPC नॉन प्लेयर कैरेक्टर को क्यों ना निपटा दूँ सबसे पहले। और वहीं पर जो मंत्र होते हैं वो राइड करना स्टार्ट कर देता है, और तभी जैसे ही उसका जो राइडेशन है वो कम्प्लीट होती है, तभी वहाँ पर एक आर्मी जनरेट हो जाती है कोस्ट की, और वहाँ पर वो जैसे ही जो फॉर्मेशन ओपन होने के बाद बहुत बड़ा धमाका होता है, और वो वुजन उससे बोल लगता है, अच्छा ऐसी बात है, इस यंग मास्टर को तो तुमने बहुत बड़ा शौक दिया है ना, सही कहा ना मैंने? और इसी सरप्राइज के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या और कौन इसके साथ बदला लेने के लिए आता है। स्टोरी के आगे बारे में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, और कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोग इसको देख चुके हैं। खैर नहीं देखा यार किसी ने, मैंने जिस चैनल पर देखा है एक बंदे ने डाला सिर्फ 2 एपिसोड, एक ने डाले हैं तो मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं बनता यार उसका डालने का, और किसी ने अपलोड नहीं किए हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी डाल चुके, भाई देख का लिए 200 या 300 लोगों ने देखा होगा मुश्किल से, कि मैंने सारे एपिसोड चेक किए थे उस बंदे के, और भाई साहब, और पूरी भी सीरीज नहीं है तो उसका मतलब मैं इसे कर सकता हूँ, मतलब ठीक है यार, समझ जाना यार मैं क्या कहना चाहता हूँ। और खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।